ये एक्चुअली में ऐसे कर सकते हो आप इसको ऐसे ऐसे। तो ये बटन किस चीज का है, देखिए जब आप अपनी वन पे आपने करा, जैसे मान लीजिए मैंने इसको वन पे सेट कर दिया, अभी थोड़ी थोड़ी देर में ऐसे चलता रहेगा, आप इसकी भी इंटेंसिटी कर सकते हैं कि आपको लग रहा है वाटर ड्रॉपलेट्स और कम है, आप इसको थोड़ा कम कर दीजिए। अब देखिए ये थोड़ा और टाइम लेगा चलने में, पहले जितना फ्रीक्वेंट चल रहा था उससे और कम हो गया है, देख सकते हैं अभी तक नहीं चला है। अब अगर मैं इसको और कम कर दूंगा तो ये और स्लो हो जाएगा। हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू ड्राइव विद सिद्धांत चैनल, आई होप आप सब अच्छे होंगे। बारिश का मौसम स्टार्ट हो गया है, एक्चुअल तक गर्मी पड़ रही है बट नोएडा में पिछले काफी दिन से बारिश हो रही है, और गर्मी और बारिश में आपको कार का हमेशा ध्यान रखना चाहिए। तो उसके रिगार्डिंग कभी कभार लोग मेरे से वाइपर्स के ऊपर कुछ कुछ क्वेश्चन पूछते थे, तो आज एक छोटा सा वीडियो बना रहा हूँ। एक्चुअली कहीं बैठा हुआ था और बारिश स्टार्ट हो गई तो लगा कि ये वीडियो बना लेना चाहिए अभी, तो दिखाता हूँ कि क्या कैसे आप इको स्पोर्ट के वाइपर्स का कंट्रोल देखते हैं। तो देखिए सबसे पहले ये जो मैं बैठा हूं ये फोर्ड इको स्पोर्ट टाइटेनियम मॉडल है, मोस्टली फोर्ड के सारे व्हीकल्स में इसी तरीके का आपको यहाँ पे रेन सेंसिंग जो आपके कंट्रोल्स हैं वो देखने को मिलेंगे। लेफ्ट साइड पे यहाँ पे आपको वाइपर्स के कंट्रोल देखने को मिलते हैं, राइट साइड पे आपको इंडिकेटर वगैरह के देखने को मिलते हैं। इसमें भी यहाँ पे दो बटन है, इसका कैसे यूज करना है, फ्रंट एंड रियर आपको कैसे आपके वाइपर्स को चलाना है मैं वो सब भी बताऊंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल इस वाले हैंडल को जब आप अभी देख सकते हैं बारिश हो रही है, मेरी विंड स्क्रीन पे काफी बूंदे आ गई हैं। अब जब मैं इसको एक बारी नीचे करके क्लिक करूंगा तो यह सिर्फ एक बारी वाइपर चलेगा और बंद हो जाएगा। तो ये होता है कि जैसे आपके बाईचांस शीशे पे कुछ थोड़ी सी ड्रॉप्स आ गई है, आपको कंटिन्यूसली नहीं चलाना, सिर्फ एक सिंगल बारी उसको वाइप करना है तो आप इसको कर सकते हैं, या दो बारी करना है तो बस हार्डली आपने उसको क्लिक कर दिया। लेकिन जब आप लंबे ड्राइव पे होते हैं, आपको लगता है कि बारिश हो रही है, कंटिन्यूअसली बारिश हो रही है और आपको लगता है थोड़ा तेज आपको इसको चलाना है या कंटिन्यूअसली चलाते रहना है आप कुछ किलोमीटर्स तक, तो इसमें आपकी तीन लेवल की स्पीड होती है। आप देख सकते हैं इसको आप तीन लेवल तक कर सकते हैं, ऊपर करेंगे एक तो आपका ये चलने लग गया, थोड़ी थोड़ी देर बाद चलेगा, इसी में दो अब उसकी थोड़ी इंटेंसिटी तेज हो जाएगी, और एक तीसरा ये सबसे तेज होता है, इसकी हार्डली आपको रिक्वायरमेंट पड़ेगी जब बहुत तेज बारिश हो रही हो। खाली ज्यादा तेज इसको चलाने का कोई मतलब नहीं बनता है, स्पीड के अकॉर्डिंग आपको जितना विजिबिलिटी में दिक्कत आ रही हो सिर्फ उसके अकॉर्डिंग इसको सेट करिए। फ्रेंड्स इसके साथ इसमें एक और बटन होता होगा, काफी लोग मेरे से पूछते हैं कि ये बटन किस चीज का है। आप देख सकते हैं यहाँ पे एक है बटन, ये एक्चुअली में ऐसे कर सकते हो आप इसको ऐसे ऐसे। तो ये बटन किस चीज का है, देखिए जब आप अपनी वन पे आपने करा, जैसे मान लीजिए मैंने इसको वन पे सेट कर दिया, अभी थोड़ी थोड़ी देर में ऐसे चलता रहेगा, आप इसकी भी इंटेंसिटी कर सकते हैं कि आपको लग रहा है वाटर ड्रॉपलेट्स और कम है, आप इसको थोड़ा कम कर दीजिए। अब देखिए ये थोड़ा और टाइम लेगा चलने में, पहले जितना फ्रीक्वेंट चल रहा था उससे और कम हो गया है, देख सकते हैं अभी तक नहीं चला है। अब अगर मैं इसको और कम कर दूंगा तो ये और स्लो हो जाएगा, ये तब है कि आपको कंटिन्यूअसली चलाना है, ज्यादा देर तक चलाना है, बहुत कम बारिश आ रही है, आप बार बार उसको सिंगल वाइप नहीं करना चाह रहे हैं तो आप इसको कर सकते हैं, और एक होता है जिसमें सिंगल ड्रॉप आपको लगता है कि हार्डली कोई ड्रॉप गिर रही है तो बहुत देर बाद उसको एक बार ही चलाएगा। तो फ्रेंड्स ये वो तरीका है जिससे आप अपने अकॉर्डिंग जितनी तेज बारिश हो रही है उसके अकॉर्डिंग उसको सेट कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि अगर उसके सिंगल के अकॉर्डिंग वो बहुत देर बाद एक बार ही चलाएगा, तो ये देखिए उसने एक बार ही चला दिया। तो ये जो सेटिंग है इससे तो आप वाइपर की इंटेंसिटी जितनी बारिश की है उसके अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं। वाइपर की स्पीड मैंने आपको बताया, इसको आप ऊपर लेके जाएंगे उतनी ये तेज होता जाएगा, एक बार ही नीचे करने पे सिंगल वाइप होगा। अब फ्रेंड्स ये तो हमने करा अभी फ्रंट वाला अपना वाइपर का, ऐसे ही किसी किसी को लगता है कि मेरी कार में आगे की विंड स्क्रीन है वो गंदी हो रखी है, आपको एक बार ही उस पर पानी मारना है और साफ करना है, तो इसको सिर्फ एक बार आप ऊपर की तरफ ऐसे क्लिक करेंगे, देखिए पानी निकलने लगा और आपका वाइपर चल गया, तो ये अपने आप ऑटोमेटिकली आपकी विंडशील्ड को साफ कर देगा, आखिरी में एक बार ही और चलेगा और ये क्लियर कर देगा। ऐसे ही देखिए फ्रेंड इको स्पोर्ट के कुछ मॉडल्स में पीछे भी, जैसे अगर मैं बात करूं ये टाइटेनियम मॉडल है और टाइटेनियम से ऊपर वाले जो स्पोर्ट्स आते थे, जो थंडर मॉडल आता था, उन सब में भी पीछे भी एक रियर वाइपर दिया हुआ है। उसके लिए जो बटन है फ्रेंड्स, इसको आप अगर ऊपर को कर देंगे, देखिए ये तो देख सकते हैं पीछे वाला वाइपर स्टार्ट हो गया। अब मैं इसको तो बंद कर देता हूं, आपको लगेगा कि हमने फ्रंट में तो वाइप कर लिया अगर गंदा शीशा है, पीछे वाला क्या हमें उतर के जाके करना पड़ेगा या सिर्फ बारिश होती है तभी आप उसको यूज करते हैं, तो ऐसा नहीं है। जैसे इसको ऊपर किया था तो आगे वाले हमारे वॉशर से पानी आया था, ऐसे नीचे की तरफ करेंगे तो आप देख सकते हैं पीछे भी पानी आता है,
तो फ्रेंड ये तरीका है कि आप अंदर बैठे बैठे अपने वाइपर से किस तरीके से फ्रंट प्लस रियर अपना साफ कर सकते हैं। स्पीड मैंने आपको बता दिया, वन टाइम नीचे करा एक वाइप करेगा, ऊपर स्लो, उससे और ऊपर थोड़ा फास्ट, उससे और ऊपर और फास्ट। उसके अलावा वाटर ड्रॉपलेट्स कम ज्यादा है उसके अकॉर्डिंग आप यहां से सेट कर सकते हैं। मैं आपको एक बार दिखा दूं, यही आपको यहां पीछे भी दिखेगा, बट आपको यहां पे ऐसे पकड़ के इसको सेट कर सकते हैं इजीली, कोई दिक्कत नहीं है, इसको ऊपर नीचे कर सकते हैं। तो ये एक तरीका है आपका पूरा इको स्पोर्ट के वाइपर्स को यूज करने का। आई होप फ्रेंड छोटा सा वीडियो था, बहुत लोग ये जानते होंगे, जो लोग नहीं जानते उनके लिए वीडियो है। अगर अच्छा लगे हो तो प्लीज अप्रिशिएट करना, आप लोगों की कृपा से चैनल 6000 लोग सब्सक्राइबर जुड़ गए हैं और भाई ऐसे जुड़ते रहेंगे। डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के वीडियोस बनाने की कोशिश करता हूं, अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो सपोर्ट कीजिए और मिलते हैं फिर किसी और वीडियो पे। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।